हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। आप देख रहे हैं इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा सेंटेंस फिलर्स। ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और बैंकिंग सेक्टर में सभी एग्जाम्स में, बैंक पीओ में और बैंक क्लर्क में इस तरह के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लॉजिक को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को, इन ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए, काफ़ी सारे ट्रिक्स, काफ़ी सारे लॉजिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। और यदि आप मेरे फ्री ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है examinee.in। यहाँ से आप हमारे जो ऑनलाइन ई कोर्सेज हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस इस समय ट्रेंडिंग में हैं और बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। काफ़ी लेंदी ये क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी इन द सेंस के पढ़ने में इनको टाइम लग सकता है। और ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। इसमें एग्जामिनर आपका लॉजिक चेक करना चाहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरा पैराग्राफ दिया है और यहाँ पर दिया है एक ब्लैंक। अब इस ब्लैंक के अगेंस्ट यहाँ पर आपको पाँच ऑप्शन दिए गए हैं और इस पाँच ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल करना है। और इसको आपको फिल करना है लॉजिक के बेस पर, ना कि रीडिंग के बेस पर, ठीक है? तो एक होता है वर्ड फिलर्स और एक होता है सेंटेंस फिलर्स। तो ये सेंटेंस फिलर्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस फिल करना है और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये ऑप्शंस हैं, फाइव ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई आपको एक यहाँ पर फिल करना है, ठीक है? अब इसको किस तरीके से करना है, देखिए, एक तो तरीका ये है कि इस पूरे पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा जाए, सारे मीनिंग्स के, सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनका अर्थ निकाला जाए और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से ये सारे ऑप्शंस पढ़े जाएं और उसके बाद इसको किया जाए। तो ये है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ही लेंदी ये प्रोसेस है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं रहेगी कि क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी आएगी या नहीं। दूसरा जो तरीका है, जो कि बेस्ट तरीका है, वो है लॉजिक अप्लाई करने का। और एग्जामिनर भी चाहता है कि आप लॉजिक अप्लाई करके इन क्वेश्चंस के आंसर निकालें। देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं, गवर्नेंस इज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंट्रीज रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। देखिए, गवर्नेंस में क्या होता है कि पावर एक्सरसाइज की जाती है कुछ लोगों के अंदर, जो सेलेक्टेड लोग होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट देश का वो मैनेजमेंट होता है। और उसमें उसमें एक एक पावर होती है कि वो देश के रिसोर्सेज को यूज़ करके, उनको यूज़ करे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? उसको हम बोलते हैं गवर्नेंस, ठीक है? तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जो प्रोसेस होता है, जो रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं या बनाते हैं, उसी उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गवर्नेंस, ठीक है? इन दिस प्रोसेस द गवर्नमेंट रोल एंड साइज मैटर्स अ लॉट। इस प्रोसेस में गवर्नमेंट का रोल और गवर्नमेंट का साइज बहुत मैटर करता है, ये बात सही है। सिंस द गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग कैन बी मार्ड बाय इट्स अनवीलडी साइज एंड द मोनोपोलिस्टिक नेचर ऑफ इट्स सर्विसेज। मतलब यदि गवर्नमेंट मोनोपोलिस्टिक है, केवल अपनी अपनी वो चला रही है, पब्लिक की नहीं सुन रही है, तो इससे हार्म हो सकता है कंट्री के लिए, ये इसका मीनिंग है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं केवल पढ़ रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू असाइन इट विथ ए फैसिलिटेटिंग एंड इनेबलिंग रोल, कीपिंग इट सेल्फ कॉम्पैक्ट एंड येट इफेक्टिव एंड साइमल्टेनियसली प्रमोटिंग सेल्फ गवर्नेंस एंड मोर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए रूप से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होना चाहिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप आसानी से स्ट्रांग कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर पढ़कर। रेगुलर बेसिस पर यदि आप पढ़ते हैं हिंदू को या इकोनॉमिक टाइम को, लेकिन रीडिंग सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि जैसे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा और आपको उसका सेंस, आपको उसकी समरी समझ में आ गई कि इसमें कहा क्या जा रहा है, ठीक है? आपको उसको समराइज करना आना चाहिए, आपका आपको उसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है, वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग नहीं निकालना है, बल्कि उसकी समरी निकालनी है। तो इसमें, इस समरी में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि गवर्नेंस इफेक्टिव तब हो सकती है जब उसमें लोग भले ही कम हो लेकिन वो इफेक्टिव हो, उनका इफेक्टिव तरीके से एप्लीकेशन हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटिंग सेल्फ गवर्नेंस एंड मोर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज,
ठीक है, भले ही मिनिस्टर्स कम हो, लोग कम हो, लेकिन सर्विसेज डिलीवरी ऑफ सर्विसेज काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, ये इसमें बोला जा रहा है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए इसको, फाइनली असाइनिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्राइवेट सेक्टर प्रमोट्स कंपटीशन। तो ये जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला, ये क्या आपको लग रहा है कि इससे इससे कनेक्टेड है? ये टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि इसमें हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए, सेल्फ गवर्नेंस बूस्ट लोकल कैपेबिलिटीज एंड इंश्योर्स प्रॉम्प्ट रिजोल्यूशन एंड टू एवरीडे मैटर्स। तो ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर एक इस तरीके का सेंटेंस आ सकता है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम के आपको भले ही उसमें लोग कम हो गवर्नमेंट में, लेकिन उसकी डिलीवरी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड में देखिए, दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, मतलब यही इसका मतलब है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या है, वो यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट मिनिमम हो भले ही, लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, उसके सर्विसेज इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं दिस इज़ व्हाट वी मीन, मतलब यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है, यहाँ पर इस सेंटेंस के द्वारा इसको हम लॉजिकली एक्सटेंड कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की हमने इसमें बात की है, तो ये यहाँ पर लॉजिकली फिट हो जाएगा। देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने काफ़ी टाइम लिया, लेकिन यदि आप इसको तेज़ी से पढ़ते हैं और इस लॉजिक को अप्लाई करते हैं तो 4 या 5 सेकेंड में, मैक्सिमम 10 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपको 20 सेकेंड का टाइम मिलता है। अभी मैं 9 क्वेश्चन आपको और बताऊंगा इसी तरीके से करके। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ये इसका सही तरीका है। अब यहाँ पर देखिए, आपने इसको केवल समराइज़ किया, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता हो, मार्ड क्या होता है, अनवील्डली क्या होता है, ठीक है, मोनोपलिस्टिक क्या होता है। एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि इसका एसेंस क्या है, इसकी समरी क्या निकल रही है, और फिर आपको लॉजिक को अप्लाई करना है। तो ये है सही तरीका बैंकिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की इसमें बात हो रही है, चूंकि ये वीडियो क्लास है इसलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें डिटेल में आपको, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप रियल एग्जाम में आसानी से आप कर सकते हैं इन लॉजिक्स को अप्लाई करके। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग डजेंट मीन गोइंग बैक टू ट्रेडिशनल मेथड्स, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि नेचुरल तरीके से फार्मिंग को करना, उसमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का कम से कम प्रयोग करना। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर इवन प्रैक्टिस टूडे। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दस, यहाँ पर देखिए की वर्ड है दस। दस का मतलब है कि यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो इस कंक्लूजन को निकालने से पहले यहाँ पर कुछ फैक्ट या कुछ कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, उस डिस्क्रिप्शन का हम कंक्लूजन इसके थ्रू निकाल रहे हैं। दस ऑर्गेनिक फार्मर्स ट्राई टू वर्क विद नेचर, ऑर्गेनिक फार्मर्स के बारे में इसमें बात हो रही है, जो कंक्लूजन है वो ऑर्गेनिक फार्मर्स के बारे में निकाला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जो ऑर्गेनिक फार्मर्स से रिलेटेड हो। अब देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मर्स ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सेंटेंस ऑर्गेनिक फार्मर्स से रिलेटेड। देखिए ऑर्गेनिक फार्मर्स टेक द बेस्ट ऑफ दीज मेथड्स एंड कंबाइन देम विथ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, इस एक्शन को करते हैं और इस एक्शन को करने का कंक्लूजन क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मर्स ट्राई टू वर्क विथ नेचर एंड नॉट अगेंस्ट इट। यही तो हम इसमें बोल रहे हैं। देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए आप, ऑर्गेनिक फार्मर्स टेक द बेस्ट ऑफ दीज मेथड्स एंड कंबाइन देम विथ मॉडर्न, मतलब ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स को जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स हैं उनके साथ कंबाइन करके इफेक्टिवली उस काम को करते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर देखिए बोला है दस, दस के थ्रू यहाँ पर बोला है, और इस प्रकार ऑर्गेनिक फार्मर्स ट्राई टू वर्क विथ नेचर, और इस तरीके से वो नेचर के साथ काम करते हैं, नेचर के साथ मिलके काम करते हैं, उसके अगेंस्ट काम नहीं करते। तो यही तो इसमें बोला गया है ऑर्गेनिक फार्मर्स में। अब इसमें देखिए एक एक मैं आपको लॉजिक और बताता हूँ। एक लॉजिक होता है कॉमन रेफरेंस पॉइंट का। कॉमन रेफरेंस पॉइंट ये होता है कि सपोज यहाँ पर ये जो प्रीवियस सेंटेंस है और यहाँ पर एक सेंटेंस है, इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड है या कोई कॉमन फ्रेज है। ठीक है, तो उस तरीके से भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स, अब मैं एक लॉजिक बताता हूँ, पैराग्राम में मैं बताता हूँ कि पहले नाउन आती है उसके बाद प्रोनाउन आता है। ठीक है, पहले
पहले कोई भी नाउन आएगा और उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग की बात कर रहे हैं। और इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स टेक द बेस्ट ऑफ दीज मेथड्स। ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, इस सेंटेंस में ट्रेडिशनल मेथड्स यानी वो एक नाउन हुआ ट्रेडिशनल मेथड्स, और इसमें हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, दीज मेथड्स। तो ये है उसका रिप्लेसमेंट, यानी इसका जो रेफरेंस पॉइंट है और इसका मतलब कॉमन रेफरेंस पॉइंट इन दोनों सेंटेंसेस में मिल रहा है, इसलिए इस सेंटेंस का एक नेचुरल और लॉजिकल एक्सपेंशन इस सेंटेंस में है, किसमें, फोर्थ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। अब इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा और एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहेगी, क्योंकि एक्यूरेसी क्यों हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है कि प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग है, ये पूरी तरीके से लॉजिकली आप अप्लाई कर सकते हैं और लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर यही सेंटेंस आ सकता है, क्योंकि ये लॉजिक पर बेस्ड है। और लॉजिक पर बेस्ड क्यों है, ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट आ रहा है मेथड्स, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है दीज मेथड्स। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट है 10, 10 के थ्रू हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ का हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो एक्शन यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, उसके बाद हम कंक्लूजन यहाँ पर निकालेंगे। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना है, ये बेस्ट तरीका है और बेस्ट मेथड है, और एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप ऐसे ही इन क्वेश्चंस को निकालें। इंडिया हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। देखिए, यदि आप रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो इसका आप समरी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो नेगोशिएशंस हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, फ्रांस में जो क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस हुए थे उसमें इंडिया जो है वो एट द फोर फ्रंट, मतलब इंडिया उसमें फ्रंट पे रहा है, इंडिया उसमें एक एक लीडर की तरह उसने रोल प्ले किया है। इंडिया हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज नेगोशिएशंस, इंडिया हैज़ लेड द डेवलपिंग कंट्रीज इन दीज नेगोशिएशंस। इंडिया ने जो डेवलपिंग कंट्री है उसको लीड किया है, मतलब इंडिया जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका लीडर है, उनको उनके लीडर की तरह उसने काम किया है। इंडिया हैज़ लेड द डेवलपिंग कंट्रीज इन दीज नेगोशिएशंस। देखिए देखिए, यहाँ पर मैं लॉजिक बताता हूँ, यहाँ पर हमने लिखा है क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, ये एक नाउन है, और यहाँ पर उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए आया है दीज नेगोशिएशंस। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकली रिलेट करना है आपको चीज़ों को। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, इंडिया हैज़ लेड द डेवलपिंग कंट्री इन दीज नेगोशिएशंस एंड प्रेजेंटेड देयर व्यू पॉइंट्स इन इफेक्टिव मैनर। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये बोला है कि डेवलपिंग कंट्रीज को इंडिया ने लीड किया है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या बोला है, सिंस इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, फर्स्ट सेंटेंस में हमने बोला है कि इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज को लीड किया है, और यहाँ पर हमने बोला है कि चूंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट आया डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज, तो इस तरीके से लॉजिकली ये सेंटेंस यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सिंस इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड इट, देखिए यहाँ पर एक नाउन आया है इंडिया, इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर आया है इट। ठीक है, एंड इट कैन नॉट कम्प्रोमाइज विद इट्स पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंडा हर स्टैंड इन दीज नेगोशिएशंस। देखिए यहाँ पर भी नेगोशिएशंस फिर से आया है, यहाँ पर भी हम नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली दो रेफरेंस पॉइंट हैं, एक डेवलपिंग कंट्री और एक है नेगोशिएशंस। इज मोर मोटिवेटेड बाय द बाय दिस प्राइमरी फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर कौन सा है, प्राइमरी फैक्टर ये है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज का लीडर रहा है डेवलपिंग कंट्री की तरफ से, तो ये प्राइमरी फैक्टर इंडिया को मोटिवेट करता है। ये इंडिया क्यों चाहता है कि वो लीड करे क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस को, क्योंकि इंडिया पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम कर रहा है और डेवलपमेंट एजेंडा के लिए अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पॉवर्टी रिडक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंडा, तो इन चीज़ों से मोटिवेट होके इंडिया एक लीडर की तरह काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में। तो यहाँ पर लॉजिकली यदि आप देखें तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर कई सारे रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं, कई सारे रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉजिकली रिलेट करना है, और भी मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इंडिया सपोर्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे लॉजिकली यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो है ये पूरी तरीके से फिट है यहाँ पर। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो चाहिए आपको, क्योंकि रीड तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको एक आइडिया रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है मेरे ई कोर्स का डिस्क्रिप्शन, और SBI PO 2019 के लिए हमारे ई कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। SBI PO के लिए और क्लर्क के लिए इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और वहाँ से आप इंस्टा जो पेज के थ्रू या हमारी जो वेबसाइट है examini.in, इसके थ्रू आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, और जैसे ही वहाँ से आप पेमेंट करेंगे कोर्स आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे नंबर्स भी दिए हैं, कोई भी आपको क्वेरी है तो इन नंबर्स पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसमें पूरा इंग्लिश सेक्शन आपका कवर किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडे वी सी द गवर्नमेंट टर्निंग अ डेफ ईयर टू द क्राइज ऑफ द कैश स्ट्रेप्ड पब्लिक। इस सेंटेंस की समरी क्या है? सपोज आपको इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता, या आपको नहीं पता कि कैश स्ट्रेप्ड पब्लिक क्या होता है, लेकिन इसकी समरी क्या है? इसकी समरी में देखिए क्या बोल रहे हैं। वी सी द गवर्नमेंट टर्निंग ए डेफ ईयर टू द क्राइज ऑफ पब्लिक, कैश स्ट्रेप्ड पब्लिक। इसमें हम गवर्नमेंट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट हम ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अनसुनी कर देती है, टर्निंग ए डेफ ईयर मतलब उस बात पर ध्यान नहीं देती, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन बोथ केसेस, ये क्या है, एक आपका कीवर्ड है। इन बोथ केसेस का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आपको यहाँ पर चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड पॉइंट जब आप यहाँ पर लिख देंगे तभी तो आप बोल पाएंगे इन बोथ केसेस। क्योंकि यहाँ पर तो अभी एक केस लिखा हुआ है, दूसरा केस कहाँ है? वो दूसरा केस यहाँ पर आएगा, और उसके बाद आप बोलेंगे इन बोथ केसेस। अब वो दूसरा केस कैसा होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, क्या वो निगेटिव होगा? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में हमने एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की है, गवर्नमेंट की एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की है, तो इसलिए सेकंड सेंटेंस भी इसी से मिलता जुलता होगा, ठीक है। ये एक लॉजिक है। अब यहां पर हमने चूंकि नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की है, हमने ये बोला है कि गवर्नमेंट अनसुनी कर देती है, तो यहां पर भी उसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस आएगा। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन डज इंक्लूड, ये इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई है। डेमोक्रेसी गिव्स गवर्नमेंट द पावर, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को पावर देती है, तो ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इन एवरी टर्म द गवर्नमेंट रिमेन साइलेंट, देखिए हर टर्म में गवर्नमेंट चुप रहती है, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें हम निगेटिविटी बता रहे हैं, निगेटिव एस्पेक्ट को हम इसमें पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस लॉजिकली यहाँ पर आ सकता है। यानी सेंटेंस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका थर्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना लंबा ये क्वेश्चन है, कितने लंबे ये ऑप्शंस हैं, और विद इन सेकेंड्स मैंने करके इसको बताया, 5 या 6 सेकेंड में, और ये रियल क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि मैंने बना लिए हैं या कहीं से मैंने ले लिए हैं, ये रियल क्वेश्चंस हैं बैंकिंग के। तो आप सोच सकते हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस को करना उतना टफ नहीं है जितना आपको लगता है या जितना आप समझते हैं। इसके अलावा कट ऑफ जो जाता है बैंकिंग एग्जाम्स में वो काफ़ी कम जाता है। तो यदि आप एक स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चंस को अपनी तैयारी करते हैं, और स्ट्रेटजी के साथ सारे क्वेश्चंस को आप करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग हो, या करंट अफेयर्स हो, तो आप डेफिनेटली काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं आपके सिलेक्शन के। तो एक स्ट्रेटजी पर बेस्ड आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये मैं स्ट्रेटजी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। इन बोथ केसेस एंड इन ऑल अदर केसेस बिफोर एंड इन ऑल डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड, सिटीजन्स हैव नथिंग टू डू बिसाइड्स लेमेंटिंग। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें भी हम सेम चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं कि सिटीजन्स के पास लेमेंट करने के अलावा, शोक करने के अलावा, दुख मनाने के अलावा, पश्चाताप करने के अलावा, बिमोन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जब एक एक बार वो किसी बंदे को चुन लेते हैं, किसी कैंडिडेट को चुन लेते हैं, तो उसके बाद वो यही बोलते रहते हैं, अरे गलत चुन लिया इसको, ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो नॉर्मली डेमोक्रेसीज में ये सारी हाय तो वह मस्ती रहती है, पब्लिक आपस में लड़ती रहती है और शिकायत करती रहती है गवर्नमेंट के बारे में कि जॉब नहीं मिल रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली इस सेंटेंस में भी हमने उस प्रीवियस सेंटेंस को एक्सटेंड किया है, लेमेंटिंग के बारे में बात की है, वो बी मोनिंग के बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं लेमेंटिंग एंड बी मोनिंग, दीज आर द कोर वर्ड्स, दीज आर द हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, तो इनके मीनिंग तो आपको पता ही होना चाहिए और इनके मीनिंग आप जब आप रेगुलर रीडिंग करेंगे तो आपको पता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म आर टू वर्ड्स विच आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, इसका मतलब क्या है? देखिए दो पॉइंट हैं, एक होता है नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद और एक होता है पेट्रियटिज्म यानी देशभक्ति, और इनको इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, मतलब पेट्रियटिज्म की जगह नेशनलिज्म और नेशनलिज्म की जगह पेट्रियटिज्म, इंटरचेंजेबल का मतलब ये है क्योंकि ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है क्यों, सिंस सिंस से हम रीजन बता रहे हैं कि इनकरेक्ट क्यों है, सिंस देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन स्पाइट ऑफ ए फ्यू शेयर्ड आइडियल्स, मतलब कुछ कुछ शेयर्ड आइडियल्स हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। वाइल अब यहाँ पर हम बता रहे हैं, वाइल के थ्रू हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है पेट्रियटिज्म को नेशनलिज्म से, वाइल के थ्रू हम कंपेयर करते हैं। वाइल पेट्रियटिज्म फंडामेंटल्स मीन्स अफेक्शन फॉर वंस कंट्री एंड विलिंगनेस टू डिफेंड इट, नेशनलिज्म इज ए मोर एक्सट्रीम अनफॉरगिविंग फॉर्म ऑफ एलिजियंस टू वंस कंट्री। जो पेट्रियटिज्म होता है वो देशभक्ति होती है, उसमें एक व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है और उसको डिफेंड करना चाहता है। नेशनलिज्म जो है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि मेरा इंडिया ही सबसे अच्छा है, बाकी दूसरे देश बेकार हैं, ये थोड़ा सा एक एक्सट्रीम इमोशन है, एक एक्सट्रीम फीलिंग है। अनफॉरगिविंग फॉर्म ऑफ एलिजियंस, ऐसी वफादारी है जिसमें वो किसी को, एक व्यक्ति यदि नेशनलिस्टिक है तो वो किसी को माफ़ नहीं करता है, यदि कोई उसकी कंट्री पर अटैक करता है तो। तो यहाँ पर हम नेशनलिज्म का एक एक निगेटिव निगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, लव फॉर वंस कंट्री इज इम्पेरेटिव एंड नेसेसरी, लव एक अपनी कंट्री को प्यार करना नेसेसरी है, इम्पेरेटिव है, बट इफ दिस लव बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और डेमोक्रेटिक आइडियल्स इट इज़ मिसप्लेस्ड, मतलब यहाँ पर हमने ये बताया है कि कंट्री से लव करना ठीक है लेकिन वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की कीमत पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट आपको चाहिए। तो नेगेटिव पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है, नेगेटिव पॉइंट है इसमें, इट इज़ बेटर टू रिस्पेक्ट, नहीं ये नहीं होगा, हैविंग नेशनलिस्टिक पैशन इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, नहीं ये नहीं होगा, द टर्म नेशनल आइडेंटिटी इज डिफिकल्ट, नहीं ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बताया है, द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ नेशनलिज्म लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन ब्लाइंड पीपुल, ठीक है, राष्ट्रवाद के चक्कर में लोग पागल हो सकते हैं, ये लोगों को अंधा कर सकता है, मतलब लोगों की एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा देश ही सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अच्छा है, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट कमिंग यानी उसकी बुराई की बात की है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात की है। तो सेंटेंस नंबर 5 फिट सूटेबली हेयर, यहाँ पर सेंटेंस नंबर 5 करेक्टली आपका आ सकता है। ठीक है, ये लॉजिक पर बेस्ड है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5। अब इसको हम देखते हैं, आउटर स्पेस इज एन एनवायरनमेंट दैट हैज लॉन्ग फैसिनेटेड मैनकाइंड, आउटर स्पेस जो है यहाँ पर सारे सैटेलाइट वगैरह रहते हैं, ठीक है, इसने काफ़ी लंबे समय से मैनकाइंड यानी मानवता को फैसिनेट किया है, आकर्षित किया है, ये सही है। हु हैव फ्रॉम द डॉन ऑफ टाइम, डॉन ऑफ टाइम मतलब जो समय की शुरुआत से, हु हैव फ्रॉम द डॉन ऑफ टाइम ट्राई टू इंटरप्रिट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर अस मोर्टल्स डाउन बिलो, मतलब आउटर स्पेस ने मैनकाइंड को शुरू से अट्रैक्ट किया है और मैनकाइंड ने उसके सिग्निफिकेंस को बताया है, हम मॉर्टल्स जो हैं, मतलब जो हम नीचे स्पेस ऊपर है और धरती पर यहाँ पर मॉर्टल्स हैं, उन मॉर्टल्स को इसके सिग्निफिकेंस जो है आउटर स्पेस का, वो मैनकाइंड ने हम लोगों को बताया है। द रिसेंट ईयर्स हैव सीन
नॉट ओनली साइंटिफिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल सक्सेस इन इन्वेस्टिगेटिंग आउटर स्पेस बट ऑल्सो अ रिमार्केबल ग्रोथ इन इट्स यूटिलाइजेशन फॉर ए वाइड रेंज ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पज। यहाँ पर हम इसके फायदे और इसको किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज इसको एक्सप्लोर कर रही हैं सिविलियन और मिलिट्री पर्पज के लिए, वो हम बता रहे हैं। आउटर स्पेस को सिविलियन का मतलब ये है कि सैटेलाइट के थ्रू हमको पता पड़ता है कि जो फॉरकास्ट होता है, वेदर फॉरकास्ट होता है, वो हुआ आपका। हम टीवी देखते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उसका टेलीकास्ट, ये है सिविलियन उसका पर्पज़। मिलिट्री पर्पज़ मतलब जैसे जैसे राडार वगैरह जो होते हैं, राडार की फंक्शनिंग होती है वो सैटेलाइट से कंट्रोल होती है, तो मिलिट्री पर्पज़ में भी इसका काफ़ी यूज़ है। टुडे इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर सम 1000 सैटेलाइट्स इन ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस आएगा वो प्रीवियस सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसकी समरी तो हमने निकाल ली कि यहाँ पर हम इसके एक्सप्लोरेशन की, स्पेस के एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो प्रीवियस सेंटेंस से लॉजिकली रिलेटेड हो। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देर आर सम 1000 सैटेलाइट इन ऑपरेशन। 1000 सैटेलाइट इस समय ऑपरेशन में हैं जो कि 60 कंट्रीज़ के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, इन ऑपरेशन ओन्ड बाय ओवर 60 कंट्रीज़। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आ सकता है। आप सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ टू इस्टेब्लिश वन सुप्रीमेसी ओवर द अदर, नहीं ये इसका पर्पज़ नहीं है। व्हेन इट कम्स टू स्पेस देयर इज ए होल न्यू लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, नहीं ये टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। स्पेस हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड एक्सटेंसिवली फॉर पीसफुल एंड कमर्शियल पर्पजेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ये काफ़ी क्लोज लग रहा है लेकिन इसको देखते हैं। इम्पोर्टेंटली नो लॉन्गर इज एक्सप्लोइटेशन ऑफ आउटर स्पेस द प्रिजर्व ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, ये सही है। यहाँ पर क्यों सही है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सैटेलाइट जो हैं स्पेस में वो अलग अलग कंट्रीज के हैं, 60 कंट्रीज के सैटेलाइट ऑपरेशन में हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, अब केवल इनका काम नहीं रह गया है सैटेलाइट भेजना, और छोटी छोटी कंट्रीज भी सैटेलाइट भेज रही हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बोली है, इम्पोर्टेंटली नो लॉन्गर मतलब अब ऐसा नहीं है कि ये केवल जो एडवांस कंट्रीज हैं उन्हीं का ये काम नहीं है। ठीक है, आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन अब छोटी छोटी कंट्रीज भी उसमें आ रही हैं। तो यहाँ पर 60 कंट्री हमने बोला है और यहाँ पर हमने बोला है उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस, तो फोर्थ यहां पर लॉजिकली फिट हो जाएगा आपका 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर लॉन्ग जेस्टेशन एंड हाई रिस्क टास्क टू टेक अप, इट टेक्स ईयर्स टू ले अ मेजर रोड, बिल्ड अ पोर्ट टर्मिनल, रोल आउट अ टेलीकॉम नेटवर्क और सेटअप अ पावर प्लांट, देर आर पॉलिटिकल हर्डल्स। देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे यहाँ पर लिखा है इट टेक्स ईयर, जैसे आपको रोड बनाना है या टेलीकॉम नेटवर्क बनाना है, ठीक है, या पोर्ट टर्मिनल बनाना है, तो ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाले काम है, इसमें हाई रिस्क लगती है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं देयर आर पॉलिटिकल हर्डल्स, पॉलिटिकल हर्डल्स इसलिए रहते हैं उसमें सिंस क्योंकि उसके लिए ज़मीन लेनी पड़ती है और काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम उसके नेगेटिव आस्पेक्ट बता रहे हैं, या उसका उसके नेगेटिव आस्पेक्ट नहीं लेकिन हम उसकी रियलिटी बता रहे हैं कि कितना टाइम उसमें लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता है, उसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल हर्डल्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके नेगेटिव आस्पेक्ट से रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ पर आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। अब देखते हैं इसमें लिंक बनाते हैं, एवरी केस ऑफ कॉरपोरेट फेलियर लीड्स टू, नहीं ये नहीं हो सकता। देयर आर, देखिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या है, एक नाउन है, तो इससे अगला वाला जो सेंटेंस होगा उसमें इसको रिप्लेस करने के लिए एक प्रोनाउन आएगा, ये लॉजिकल है पूरी तरीके से। तो रिप्लेस, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हमने रिप्लेस किया है इस सेंटेंस में, ये है दे, दे ये किसके लिए आया है, ये आया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर दे आर कैपिटल इंटेंसिव, देखिए यहाँ पर भी हमने नेगेटिव आस्पेक्ट बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उसमें वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है,
और रिटर्न उसके जीरो रहते हैं जब तक प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग नहीं हो जाता है। तो इसमें भी हमने वही बात की है, यहाँ पर हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो हम वही सेम सेंटेंस आएगा इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में। मतलब ये सेंटेंस लॉजिकली फर्स्ट एंड सेकेंड को इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को लॉजिकली रिलेट कर सकता है ये वाला सेंटेंस, क्योंकि सेम बात इसमें बोली गई है। यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज ए फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर। ये बात सही है कि जुडिशरी जो होती है, कोर्ट्स जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में, वो पूरी तरीके से इम्पार्शियल होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यदि इम्पार्शियल वो नहीं होंगे या इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनके जो डिसीजन होंगे वो बायस्ड होंगे, पक्षपातपूर्ण होंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है, ये बात सही है। द जुडिशरी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल इन इंटरप्रेटिंग लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये सही है। इन एडिशन ऑफ दीज ट्रेडिशनल रोल्स जुडिशरी इन इंडिया ऑल्सो प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वाइज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द जुडिशरी एग्जिस्ट एंड फंक्शन इन ए गिवन सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड हैंस अफेक्टेड बाय द सेम सेटअप। देखिए ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक जुडिशरी काम करती है, और अलग 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 सेटअप में या अलग अलग कंट्रीज में जुडिशरी का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होता है उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पर कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि सोसाइटी में जो चेंजेज आते हैं उसमें जुडिशरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ पर चाहिए, द रीज़न फॉर दोज अराइज, ये तो आएगा नहीं क्योंकि दोज यहाँ पर एक प्रोनाउन है, तो इसका नाउन कहाँ पर है, दस बाय, यहाँ पर ये दस वाला सेंटेंस आ सकता है क्योंकि दस के थ्रू हम कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए दस बाय प्रोग्रेसिंग इंटरप्रिटेशन इट ऑल्सो बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ये इट किसके लिए आया है, ये इट एक प्रोनाउन है, ये इट प्रोनाउन आया है जुडिशरी के लिए, जुडिशरी है नाउन और उसको रिप्लेस हम कर रहे हैं इट से। इट ऑल्सो बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज का एक इंस्ट्रूमेंट भी बन जाता है ये, यदि ये इंडिपेंडेंट है, यदि इसके डिसीजन सही हैं तो सोशल चेंज का एक इंस्ट्रूमेंट जुडिशरी बन जाता है। ये बात कितनी सही है, पूरी ये बात पूरी तरीके से सही है। जैसे आपने अभी ट्रिपल तलाक के बारे में सुना होगा कि ट्रिपल तलाक को जुडिशरी ने बैन कर दिया है, तो उससे एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आएगा। अब कोई भी मॉमडर्न व्यक्ति तलाक 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 कह के अपनी वाइफ को तलाक नहीं दे पाएगा, तो इससे एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आएगा और मॉमडर्न वीमेंस की जो कंडीशन है वो सुधरेगी, यानी सोशल चेंज आएगा। तो जुडिशरी एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है सोशल चेंज का, ठीक है। हालांकि मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को 1-1.5 घंटे तक मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन बहुत डिटेल में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट तरीका है और ये बेस्ट तरीका, इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है आपको और इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डिस्पाइट मैसिव कैंपेन स्पेंडिंग इन इंडिया देयर इज बेयरली एनी पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ सच स्पेंडिंग बिकॉज ऑफ द ओपेक नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शंस। इसमें क्या बात हो रही है, इसमें बात हो रही है चुनावों में जो कैंपेन स्पेंडिंग होती है, जो काला पैसा, जो ब्लैक मनी लगाया जाता है, उसकी स्क्रूटनी नहीं होती है, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये मैंने पढ़ा था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कि आप यदि आप कैश नहीं दे सकते, लेकिन कैश के स्थान पर आप इलेक्टोरल बॉन्ड आप पार्टीज को दे सकते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड वो पार्टी अपने अकाउंट में जमा करेगी तो वो इनकैश हो जाएंगे, और इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहेगा किसने ये डोनेट किया है और ये पैसा कहाँ से आया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम एम्पलीफाई सच ऑपेसिटी बाय नॉट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर, दो द सेंट्रल गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट द स्कीम हैज़ टू फोल्ड पर्पस, वन इट एनहेंसेज ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, टू इट प्रोटेक्ट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ डोनर्स। देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम इसके फायदे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके फायदे बता रही है। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस आया, यहाँ पर एक वर्ड आया है दो, और ऑल दो का मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्रास्ट बताता है, इन स्पाइट ऑफ इसका मतलब होता है, ठीक है। दो यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है, ये है आपका लिंकिंग वर्ड, ये है आपका आपका कीवर्ड। अब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि हालांकि गवर्नमेंट इसके फायदे बता रही है, लेकिन
गवर्नमेंट इसके फायदे बता रही है, पहला फायदा ये है और दूसरा फायदा ये है, गवर्नमेंट इसके बेनिफिट्स बता रही है। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे। क्यों क्रिएट करेंगे? क्योंकि यहां पर दो लगा हुआ है, दो के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट, दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें जिसमें इसकी इसकी बुराई की गई हो या इसके इसके अगेंस्ट कोई सेंटेंस बताया गया हो। गवर्नमेंट बोल रही है कि इसके टू फोल्ड पर्पज है, इसका एक फायदा है, लेकिन यहां पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मतलब यहां पर आपको एक ऐसा 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 सेंटेंस चाहिए जो जो इसके निगेटिव में हो, इसके अपोजिशन में हो। अ क्लियर केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वुड अराइज इफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस आर टेकन, नहीं ये नहीं होगा। हिस्ट्री हैज ऑफन शोन, नहीं ये नहीं होगा। ह्यूज पॉलिटिकल डोनेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ, नहीं ये नहीं होगा। इन रियलिटी द स्कीम अंडरमाइंस, देखिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट यहां पर तारीफ कर रही है लेकिन वास्तव में क्या है, इन रियलिटी द स्कीम अंडरमाइंस, स्कीम अंडरमाइन करती है किसी चीज को, किसी चीज को किसी चीज को वो कमजोर करती है। अब अंडरमाइन यहां पर एक एक लिंकिंग वर्ड है या की वर्ड है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बताया था कि दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड को कनेक्ट करता है, तो यहां पर कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड क्या है, एम्पलीफाई, और एम्पलीफाई का अपोजिट है अंडरमाइन, एम्पलीफायर का अपोजिट है अंडरमाइन। तो उस तरीके से भी ये लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है, और यहां पर हमने रियलिटी नहीं बताई है, यहां पर इस सेंटेंस में रियलिटी बताई है, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से लॉजिकली यहां पर फिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एंड गिविन, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में खाली दिया है, एंड गिविन द इंक्रीजिंग प्रीवेलेंस ऑफ मेंटल इलनेस ग्लोबली कपल्ड विथ प्रेजेंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स इन द फॉर्म ऑफ एकेडमिक वर्कलोड, पीयर प्रेशर, बुलिंग एंड एग्रेशन, टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस यूज एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर एंड सो ऑन, रिकग्नाइजिंग द पोटेंशियल रोल ऑफ ए स्कूल काउंसलर इज ऑफ। देखिए इस समय जो एकेडमिक प्रेशर है, जो वर्कलोड है, जो पीयर प्रेशर है, जो बुलिंग स्कूलों में होती है, जो एग्रेशन होता है, टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस यूज, जो लोग नशे के लिए कुछ खाते हैं, ठीक है, तो उसकी इसमें बात हो रही है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं एंड गिविन द इंक्रीजिंग प्रीवेलेंस ऑफ मेंटल इलनेस ग्लोबली, यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस आ सकता है, यहाँ पर देखिए मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। अडॉप्टिंग ए सेंसिटाइज अप्रोच विद राइजिंग अवेयरनेस, देखिए इसको पढ़ते हैं, विद द राइजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेस स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड एडोलोसेंट इट्स वेलकम चेंज टू टू नोट द नीड ऑफ काउंसलर्स। इसमें हमने नीड ऑफ काउंसलर्स के बारे में बात की है, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने देखा है रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल रोल ऑफ स्कूल काउंसलर इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो इसमें भी हम स्कूल काउंसलर्स की बात कर रहे हैं, इसमें भी हम स्कूल काउंसलर्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक वर्ड आया है कंट्री, और इसमें एक वर्ड आया है ग्लोबली। तो पहले हम कंट्री के बारे में कुछ बोलेंगे, फिर हम ग्लोबली उसके इफेक्ट को दिखाएंगे। तो कंट्री और ग्लोबली ये लीगली सॉरी लॉजिकली ये रिलेट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर किन जो ऑप्शन है ये लॉजिकली यहाँ पर रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। तो ये 10 सेंटेंस मैंने लिए हैं, और SBI PO, IBPS PO और बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्री और मेंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस के को आपको तैयार करना है, आपको आपको ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हालांकि ग्रामर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हैं रियल क्वेश्चंस, और मैंने रियल और बेस्ट तरीका आपको बताया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। यदि आपको ये वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दें, इन नंबर्स और इन ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल को जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, तो इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।